सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। इट्स ए गुड थिंग दैट द बिल हैज बीन पास्ड। अब बिल आना चाहिए हमारे पास, हम देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये बिल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल साधारण बिल नहीं है, ये सामाजिक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम आंदोलनकारी और सारे MLA मंत्री और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित करके इस पर डिस्कशन किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए और फिर इसको स्वीकृति दी जाए, जिससे सब संतुष्ट हों, कहीं कोई कमी नहीं रहे और ये सुचारू रूप से समाज को लाभ मिलता रहे। एक नया विधेयक पारित हुआ है जहां SBC के 5 जातियों को, समाज के लोगों को 1% आरक्षण मिलता था। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक नया विधेयक पारित किया है जहां पर 5% का आरक्षण सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही साथ 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस प्रकार आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान के संशोधन के पश्चात सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर इस कानून को भी संरक्षण मिले और संविधान में संशोधन हो ताकि ये 5% का जो आज आरक्षण विधानसभा राजस्थान ने पारित किया है वो संविधान का संशोधन हो सके दिल्ली में भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सदन के सभी सदस्यों का, तमाम दलों का, निर्दलीय विधायकों ने, सबने मिलकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। ये प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब जनता की बात आती है, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका से अलग हटकर आज जो विधानसभा ने आज जो कानून बनाया है उससे मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी और जो बहुत लंबे समय से मांग आई थी समाज की उसको पूरा होने की तरफ आज हमने अपना काम किया है। मैं आग्रह करता हूँ सब लोगों से जिन्होंने पिछले कई दिनों से आंदोलन किया कि अब आंदोलन को समाप्त किया जाए और जो छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई थी वो भविष्य में ना हो। आज राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 दिनों से कानून मंत्रालय, कार्मिक विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय सबसे सघन विचार विमर्श करने के बाद राजस्थान की कैबिनेट ने कल इसको पारित किया और आज सर्वसम्मति से, जैसे मैंने आपको कहा, राजस्थान की विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। मुझे खुशी है इससे 5% का जो आरक्षण का बहुत पुरानी मांग थी आज उसको लागू किया गया है। सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार ने जो क्रीमी लेयर थी, जो केंद्र सरकार ने 8 लाख की सीमा रखी है, वो SBC और OBC के लिए उस सीमा को बढ़ा के 2.5 लाख से 8 लाख करने का काम किया है। और जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है उसी को राजस्थान ने भी आज लागू किया है कि 10% के आर्थिक आधार पर अग्रे समाज के लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं वो 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। और हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि विधानसभा लोकसभा के अंदर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, इसका सर्वसम्मति से आज विधानसभा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।